जहाँ पर वो बात है, तो आज की डेट में सभी लोग टेलीविज़न के ऊपर हैं, और आज की डेट में ना कंटेंट चलता है। ये अच्छी बात है कि चलो पॉपुलैरिटी मिल गई, सो हम इतने टाइम से कॉमेडी सर्कस और इतने सारे कॉमेडी शोज़ कर रहा हूँ, तो एक लर्निंग प्रोसेस में सीखा भी हूँ। यू नो, ह्यूमर आदमी करते करते और बेटर होता है, सीखता रहता है। तो ये है कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए फिल्म का, तो ज़रूरी नहीं है कि फिल्म बहुत ही बड़ी हो तो ही चलेगी। आजकल कंटेंट बेस्ड फिल्में चल रही हैं, भले नए लोगों के साथ, जैसे आप प्यार का पंचनामा देख लो या जो भी कई सारी फिल्में जो बनी हैं। तो इस फिल्म का कंटेंट जो है वो बहुत अच्छा है, और हमें पता है कि जितने एक्टर्स हैं, हम लोग सब मिल के इसको इम्प्रोवाइज़ करके और चीज़ों को और बेहतर बना के ही शूट करेंगे इस फिल्म को। बड़ा भी तो हो जाऊँ ना थोड़ा। अभी मैं 33 का होने आया हूँ, मैं 83 बॉर्न हूँ, मैं 33 का हो जाऊँगा, तो अब हो जाएगा। 35 तक तो वेट करना चाहिए ना थोड़ा सा, क्योंकि मैं इतनी लड़कियों पे लाइन मारता हूँ अपने शो पे, तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही रख के मारो तो ठीक रहता है। नेक्स्ट मंथ आ रहा है, आप लोग उस पर भी शायद सब लोग से मुलाकात हो। हिस्ट्री चैनल पे मैं एक शो कर रहा हूँ, हाँ प्रोमो सर, देखा होगा आपने, जी, हाँ, उसका नाम है OMG ये मेरा इंडिया। तो वो भी एक बहुत सोफिस्टिकेटेड शो है, उसमें कोई स्लैपस्टिक कॉमेडी नहीं है, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल शो है। जैसे मैं हूँ अभी पर्सन में, अभी तो मैं वैसे एक्टिंग नहीं, अरे साहब क्या ले, अभी तो कर नहीं रहा, तो मैं एज कृष्णा, मैं कैसा हूँ एज अ पर्सन, वैसे ही मैं उस शो पे आऊँगा। और इंग्लिश में है वो शो, हिंदी भी होगा इंग्लिश भी होगा, तो एलिट क्लास के लिए वो शो। तो मैंने इसलिए भी वो शो किया क्योंकि अभी कितना कॉमेडी कॉमेडी हम कर रहे थे। नॉर्मल शोज़ भी आप मैंने होस्ट किए, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा ये वो, तो वहाँ पर भी उसी तरीके की होस्टिंग हो जाती है। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्लासी शो है, तो मैं चाहता हूँ कि ये भी लोग देखें और इन्जॉय तो करेंगे, क्योंकि इट्स अबाउट इंडिया, इट्स नॉट अबाउट मी, आई एम जस्ट द होस्ट ऑफ द शो। हिंदुस्तान में क्या क्या है हमारे, तो उसके ऊपर वो शो है।